यमुनानगर जिले में बढ़ रहा स्मैक और हेरोइन का नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना ही कोई ना कोई तस्कर को पुलिस भले ही गिरफ्तार कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद नशा जिले में धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है। ऐसे में नशा तस्करी के 3 मामलों में वांछित हमीदा निवासी नाइम को एंटी नार्कोटिक सेल ने ममीदी से गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक सेल ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उस समय इलाके में हीरोइन के बिट बनाकर उसे वह सप्लाई कर रहा था। एंटी नार्कोटिक सेल ने आरोपी के पास से मौके पर ही 60 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली, जिसकी कीमत लाखों रुपए है। एंटी नार्कोटिक सेल ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 20,000 रुपए भी बरामद हुए। ये रुपए नाइम ने हीरोइन की बिट बनाकर उसे बेचकर कमाए थे। फिलहाल आरोपी की एक्टिवा को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हीरोइन को उत्तर प्रदेश से लेकर आता था। फिलहाल जिले में वह किस किस को हीरोइन सप्लाई करता था, अब उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि एंटी नार्कोटिक सेल अब आरोपी नाइम को कोर्ट में पेश कर इसका पुलिस रिमांड भी लेने की बात कर रहा है, और उस पूछताछ में आरोपी से नशे से जुड़े और भी कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। देर रात हमारे को एक ग्रुप इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ममीदी एरिया में एक नवयुवक व्यक्ति जो नशे का कारोबार कर रहा है, और हमने उसके आधार पर अपनी टीम को गठित किया और फौरी तौर पर नाकाबंदी की गई। जो नाकाबंदी के दौरान एक युवक को काबू किया गया, जिसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम नईम, बाप का नाम यामीन और खड्डा कॉलोनी हमीदा का रहने वाला है, जो इस समय ममीदी में रह रहा था। तो मौके पर राजपत्रीय अधिकारी को बुलाकर उसकी तलाशी ली गई, जो उसकी तलाशी के दौरान उससे 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, और जो उसने नशा बेचकर पैसे थे उसके पास, जो नशा बेचा था उससे भी 20,000 रुपये कैश और एक्टिवा बरामद की गई है। जो इससे अभी पूछताछ चल रही है, जो इसके तार अभी तो यूपी से हैं, और इसका हम पुलिस रिमांड भी लेंगे और इससे अच्छे से पूछताछ कर रहे हैं। और दूसरा, जो इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच कर रहे हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी नशे से बनाई हुई होगी, नशे से तैयार की होगी, तो उसको भी जो प्रक्रिया होगी इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये करीब 3 मामलों में भी NDPS के करीब 3 मामलों में जब तक की पूछताछ में आया कि वांछित फरार चल रहा था। गौरतलब है कि नशा तस्करी के 3 मामलों में वांछित हमीदा निवासी नाइम को एंटी नार्कोटिक सेल ने ममीदी से गिरफ्तार किया है। बहरहाल एंटी नार्कोटिक सेल अब आरोपी नाइम को कोर्ट में पेश कर इसका पुलिस रिमांड भी लेने की बात कर रही है, और उस पूछताछ में आरोपी से नशे से जुड़े और भी कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा आरोपी क्या कुछ खुलासे करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।